कौन है वो देखो। अरे वाह, ये कौन है? अरे की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहे गुरु जाने की बनू दुनिया दा। भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। मॉर्निंग रिद्धि, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी वाली गुड मॉर्निंग कर रहे हो ना। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो मेरा बच्चा? ताली मार के दिखा रहे हो। जिंदा दिल जिंदगी है, बड़ी चिल जिंदगी है, मसा मसा एहो मिली जिंदगी है। प्रभ कहाँ जा रहे हो? प्लीज इसका डायपर बदल दो पहले। प्लीज मैंने जाना है नोबिता को घुमाने। प्लीज प्लीज प्रभ ऐसा मत करो। प्लीज प्लीज प्रभ, तेरी मम्मी मेरे हवाले छोड़ के चली गई। बेटा क्या करे अब, कैसे करे? हाँ यही है मम्मी तेरी, वो जो उसमें फोटो लगी हुई है ना, वही है मम्मी। मारो मुक्के, बताओ तकिए को, खींचो खींचो, मम्मी को बुलाओ, जाओ मिलो मम्मी को, बुलाओ को, मम्मी मम्मी, ओ मम्मी, अले 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 अले। उठ जाओ फिर, उठ जाओ, नहीं तो मैं फिर करना कि नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यू लव मी और नॉट? हाँ करी, हाँ लव मी लव मी। यू लव मी ना? कार्टून कार्टून बच्चे, कार्टून बच्चे। तो ये देखो, इसने अपने आप उठाया, ऐसा नहीं कि वीडियो के चक्कर में मैंने इसके सिर पे रख दिया, ये फिर ऐसे कर रही है। वो खुद, वो देख लो, दिख गया, खुद यहाँ से उठा के अपने सिर के पास रख लिया और ऐसे उसके साथ खेलने लगी हुई है। ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें क्यों करते हो रिद्धु? कि आप क्यूट लगो हैं? कि आप क्यूट लगो? आप क्यूट तो हो ही बेबी, आप क्यूट तो हो ही। शाबाश, क्यूटनेस ओवरलोड। राधे राधे शाम मिला दे, राधे राधे शाम मिला दे। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधे राधे। अरे वाह, हम ऐसा परफॉर्मेंस करोगे है? हाँ करेगी। नहा धो के रेडी हो गया एकदम से बिंदास, और आजकल थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। और नोबिता हमारा आ गया है सैर करने के लिए। चले नोबिता, चले 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 चले। इन भी कूड़े वाला लेट हो जाए, देखो कितना सामान हो जाता है। तो आज आ गया है भाई। चलो जी चले। रिद्धि देखो तैयार होके कैसी बनी हुई है आज। इसने दादी के दिए हुए सॉक्स पहने हैं। ये दिखाना, yes. शूज है ये। हाँ. ऐसे इसको शूज बोलेंगे। बूट्स है, हाँ. ओके रिद्धि, किसने बनाया है ये? दादी अम्मा ने बनाए। दादी मम्मा ने बूट बनाए, दादी मम्मा ने बूट बनाए। दादी अम्मा मान जाओ, टन टन। दादी अम्मा मान जाओ। हमें तो यही दादी लगती है हमारी।
यही दादी है, मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ, ये मेरी मम्मी है। और अखिल क्या चल रहा है? बढ़िया सर। वेट लॉस जर्नी कैसे जा रही है? ठीक है, मतलब थोड़ा ज्यादा फैट निकल गया, अब तो वेट कम करने, मसल गेन करने है बस। अच्छा, तो जो तंग करने वाला फैट था वो तो निकल गया ना? वो तो निकल गया, दो हफ्ते में, दो हफ्ते में निकाल दिया हमने। धीरे धीरे से निकलेगा। हाँ, क्रेविंग्स भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, रात को ये प्रभ मैडम जी नहीं करने देती ना, कुछ ना कुछ बना नहीं, देती मैं है। तो खुद डिनर को मुंह नहीं लगाऊंगी। अच्छा, हाँ, कभी बादाम बना दिए, कभी क्या कर दिया। अच्छा, कभी किसने सिफारिश करी थी? मैंने कहा था थोड़ा लेके आओ, आप इतना ले आए, फिर वो हमने खा लिया। इसलिए ज्यादा किया था कि चलो बाद में खा लेंगे, मुझे क्या पता था एक बार में खा जाओगे सारा। वो टेस्टी बोल लगा, वो क्या करे है ना, कि मखाने भी इतने टेस्टी लगते हैं, वो भी इतना टेस्टी लगता है, अब क्या करें भाई। मगर चलो फिर भी हेल्दी चीज ही है, ऐसा नहीं है, बर्गर पिज्जा नहीं खा रहे कम से कम। बच्चों को पार्टी जरूर दी कल पिज्जा की, मगर खुद एक टुकड़ा मतलब कि ऐसे देखा नहीं, टच करके, मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं। केक जब हमने काटा, उन्होंने थोड़ा सा केक जरूर खिला दिया था, मगर मैंने पिज्जा बिल्कुल नहीं खाया। तो इसी पे कंट्रोल कर रहे हैं, अब चीट भी करेंगे ना, हेल्दी चीट ही करेंगे, गलत चीट नहीं करेंगे, है ना? ठीक है अखिल? बढ़िया सर, डन। अगर चीट भी करना है तो हेल्दी चीट करना है, गलत चीट नहीं करना। अगर मतलब रोटी खा लिया तो ऐसा लगे कि हमने चीट कर लिया। यही है बस, जैसे अभी हम दोपहर को खाना खाएंगे तो चीट कर रहे हैं। चलो जी चले चले रिद्धु रिद्धु पिद्धु। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं लंच, ये देखिए सामने है धूप, और धूप के सामने हो रही है लंच। क्या बात है नरेंद्र सर, कैसे हो? दुखी। क्यों दुखी क्यों? तो बढ़िया, यहाँ पे लंच चल रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ये हो। तो दोस्तों ये दो दिन का व्लॉग एक साथ है, और ये नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, तैयार हो चुका हूँ, और आपने कल प्रैंक वाला वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा और कईयों को बुरा भी लगा होगा, और कईयों को समझ भी नहीं आया होगा कि क्या हो गया क्या नहीं, है ना? पर आज प्रभ गई है अपने पम्पिंग करवाने, जो कल करवाना चाहते थे। कल रात उन्होंने ना बालों को बनवा लिया था, जब हम छुट्टी हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने वो करवा लिया था, लकड़ी से लगाई थी पूरे बालों में, ऐसे लग रहे था ना पता नहीं क्या, ये जैसे मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। फिर गुस्सा आ जाएगा प्रभ को, पूरे बालों में लगा हुआ था। तो अभी अभी वो सुबह गए हुए हैं अपने बालों को ठीक करवाने, और जैसे ही आते हैं मैं आपको उनकी लुक दिखाता हूँ, बाल कर ली करवा लेंगे। मम्मी आ गए हैं, नई मम्मी से मिलोगे, नई मम्मी बन के आए हैं, नई मम्मी, अरे मॉडर्न मम्मी, अरे वाओ वाओ, कौन है वो देखो, अरे वाओ, ये कौन आया, अंदर तो आ जाओ, अंधेरा अंधेरा आ रहा है, अरे हे हे, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वाव वाव प्रभ, हाँ लेंथ भी अच्छी है, हैं? वाव, अब ऐसी रहेंगे ये, अब ऐसी रहेंगे, हाँ जी अब ऐसी रहेंगे, वाव कैसे लग रहे हैं फिर ये, ठीक है, अच्छा अच्छे लग रहे हैं, बहुत दुख रहे हैं पता, बाल पर रिलैक्स हो गया होगा अब तो, रिलैक्स हो गया, पर जैसे वो दर्द नहीं रहती, हाँ वो है, वाव क्या बात है, विद्यु न्यू मम्मी, न्यू मम्मी आई है बेटा, न्यू मम्मी आई है, मम्मा कैसा लग रहा है, मम्मा कैसा लग रहा है, वो कह रही मेरे को कोई लेना देना नहीं, स्माइल कर रही, कह रही मैं तो अभी गंजी हूँ, आप बालों का ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मैं चाय बनाऊं, पिला दी मैंने बना के, पर मैंने इनके लिए बनाई थी सिर्फ आपके लिए, मेरा पता नहीं था ना, हाँ मैंने फोन किया, वो देखो वो देखो, अच्छा आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपसे कोई बात नहीं कर रहा भाई, गई भी नहीं है स्कूल में तो कपड़े पहले, ये देखो क्या क्या कर रही है, अपने कपड़े गंदे करके रख लिए हैं पहली, ये देखो अब इसके कपड़े बदलने लगा हूँ मैं, कि कपड़े ठीक पहने थोड़े, अब कपड़े बदलूँ आपके, और उधर मम्मी आती लग गई है काम काज में,
और जाने से पहले भी प्रभ ने सारा काम कर रखा था, टिफिन पैक कर दिया था ऑलरेडी, हमारा टिफिन पैक हो गया था, अपना मतलब कि रिधि का टिफिन पैक कर दिया, 3 मील्स रख दी और बैग रिधि का पैक कर दिया था, सब डन कर दिया। और इधर अभी अपने लिए बना रहे हैं सैंडविचेस, क्या बात है क्या फ्रेंच बात है, शाबाश प्रभ, क्या बात है। मैं भी करवा लूं, कर ली आपके तो ऑलरेडी हैं, पर इतने ज्यादा नहीं है ना। वो कह रहे थे कि आपके हस्बैंड ने भी करली करवाए हुए हैं ना, मैंने कहा नहीं नहीं उनके नेचुरल है। अच्छा उनमें वहाँ एक लेडी थे वो भी कुमाऊं के हैं। अच्छा तो अल्मोड़ा पहचान लिया था आपको? हाँ, तो कहते मैं कुमाऊं, मैं भी कुमाऊं हूँ तो इसलिए मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ करके। अच्छा फिर कोई डिस्काउंट नहीं दिया? डिस्काउंट नहीं दिया कुछ भी नहीं, पर अच्छी बात है, काम के साथ डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। हाँ, काम अपनी जगह है और काम अपनी जगह है और प्यार रिश्तेदारी जान पहचान अपनी जगह। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो बनाओ जी बनाओ, ये देखो सूर्य देवता सामने से आ गए हैं, तो क्या ही व्यू है, कैसा लगता है रसोई में काम करके? यहाँ पे बढ़िया लगता है, मजा आता है, इसीलिए तो करती रहती हूँ। शाबाश करो करो, गुड गुड। कल का रोना आपका सफल हो गया फिर? यस। आपको पता था वो प्रैंक चल रहा है? ये देखो नोबिता क्या कर रहा है यहाँ पे। अच्छा नोबिता चल चलिए, चल चलिए। हाँ अभी कपड़े बदलता हूँ, पापा वीडियो बनाने लग जाते हैं ना, भूल जाते हैं फिर। यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, तब तक मैंने रिद्धि के कपड़े भी बदल दिए, डायपर भी बदल दिया, और बाकी जो थोड़ा मोटा रहता है वो प्रभु भी कर लेगी। मैंने ऊपर जाना, थोड़ा सा काम करना अपना। ये अब घर से जाने लगे हैं, रिद्धि के कपड़े बदले हुए हैं, ये देखो ऐ कर रही हैं। तो अखिल तूने देखा कि मैडम ने बाल बदल लिए? हाँ देखा, देखा। कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहे हैं कि वैसे ही बोल रहा है? नहीं नहीं सच में, पहले भी तो ऐसे ही स्टाइल था ना मैम का। हाँ और कमेंट आ रहे हैं कि अखिल बहुत ज्यादा पतला हो गया, आपका तो पता नहीं हुए कि नहीं हुए पता नहीं भाई, मगर वजन कम हो रहा है अभी, जब फिजिकली अपीयरेंस में देखने को मिलेगा। अभी मैं सर्दी वाले कपड़े भी पहने हुए हैं, और जब मैं बेयर बॉडी दिखाऊंगा अपने आप को और अखिल अपने आप को दिखाएगा तब पता लगेगा कितना कितना वजन हमारा है। दोनों ने बेयर बॉडी होना है, है? अखिल ने भी? हाँ, इनका ड्रेस भी ऐसा ही है ना टीम का। मगर बहुत कम दिनों में हमने बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की है ये, और अभी की क्या है, अभी तो चल रही है, प्रोसेस में है, अभी 12-13 दिनों के बाद हम रिजल्ट बताएंगे, ठीक है ना अखिल? जरूर सर, जरूर। वैसे आप कैचर के लिए तो 10 दिन है ना? और हाँ 10 दिन है, 15th को ना ड्रीम कैचर। चलो बटन है। रिद्धि आपको कैसे लग रहे हैं आपके पापा, बोलो ना, बोल दो ना जरा। वो आपका हाथ जूस रही है, हाथ जूस रही है। अरे वो वाली वीडियो इसके साथ बनाएंगे अब। हाँ, वो जो मेरा ट्रेंड था ना, वो अब इसके साथ ट्रेंड शुरू करते हैं। वो टिकटॉक के टाइम पे मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो इतनी ज्यादा वायरल, वो ट्रेंड बन गया था, इवन फिल्मों में यूज हुआ है वो, चाहे बोलो चाहे, वो फिल्मों में यूज हुआ है। इवन पंकज त्रिपाठी सर ने इंटरव्यू में उनको बोला कि कुछ बोलो कुछ, उन्होंने बोला कुछ तो बहुत मतलब कि वायरल हुआ वो। और ये पैसे किसके हैं, ये भी फिल्म में यूज हुआ है लूट केस में, उसको पैसे का वो मिलता है बैग, ये मेरे को लोगों ने खुद भेजा, ये देखो जी आपका ये ट्रेंड अब फिल्मों तक पहुंच गया है। तो उस समय वैसे ही बनाया था, क्योंकि बचपन से ही ऐसे करता था मैं, आदत थी मेरी, ट्रेन में भी जाना ऐसा, कहीं भी बोलना तो चाय बोलो चाय, मैं चाय बोल देता था। तो वो एक दिन वीडियो बना के डाल दी, वो वायरल हो गई, तो ऐसा था सा। चले जी चलो चलो अब तो आपने बालों को ही देखी यार, बालों को देखी मैंने अच्छे से, खुद को नहीं देखा शीशे में ना, मैं जल्दी जल्दी में करवा के आ गई। हाँ। वहाँ पे भी अच्छे से नहीं देखा, यहाँ आके भी खाना खाने लग गई, अच्छे से नहीं देखा खुद को। हाँ। फिर आज शीशे में अपने आप को देखी है ना बार बार? नहीं बार बार नहीं, एक बार तो निहारूंगी खुद को, अभी क्लचर लूंगी। मैम को भी सरप्राइज ही मिलेगा ना आपकी गुरु माँ को, मैम बड़ी नॉर्मल गई थी, ये कैसी होके आ गई है? अच्छा तुम्हें टाइम मिल जाता है तो इनकी गुरु माँ जी बहुत अच्छे हैं, बड़े नाइस हैं, और उन्हीं का जो ये ड्रीम कैच उनके स्टूडियो की तरफ से होता होता है हर साल, उसमें बिजी हैं, उसी के लिए, चलो उसी बहाने हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हमें तो अच्छा लग रहा है। तो कोई बहाना ही मिलना था, नहीं तो मैं को किक नहीं मिल रही थी, क्या करूँ कब करूँ, शुरू नहीं हो रहा, और अपने घर में आ गया हूँ, रिलैक्स हो गया हूँ,
तो बहुत सारी चीजों से माइंड रिलैक्स हो गया है, तो मैं फोकस होकर अपने पे काम कर रहा हूँ, है ना जी। हाँ जी। रानी फैशन लगी चल पे बलैती बाने की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह वाहे गुरु जाने की बनू दुनिया दा। हाय हैं, मेरे को लग रहा है आज बड़ा गुड गुड फील हो रहा है ना आपको। ये देखिए आज हमें रवि सर मिलने आए हैं 10,000 साल के बाद। कैसे हो सर? कल भी आया था, कल ब्लॉग नहीं बनाया ना। पर मैम आपने चाय अकेले के लिए पी ली है? नहीं पी मैंने चाय सर, लेके नहीं आई चाय। मैडम के कर्ली हेयर कैसे लग रहे हैं? अच्छे मैम, मेरे कर्ली हेयर पहले ही बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो फिर इन्होंने सीधे क्यों करवाए थे? मेरे पति ने कहा था। अच्छा, तो दोस्तों इधर देखिए हमारा नेक्स्ट पड़ाव शुरू हो चुका है। हम अपना PhD का अपना जो कि जो टॉपिक है वो अब हम करने लगे हैं। इंटरव्यू होना है फिलहाल हमारा, तो उसके बिहाफ पे हमें पता लगेगा हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या रवि सर भी PhD कर रहे हैं दोस्तों? 60% कंफर्म है मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, उसके अलावा एक रुपया भी आगे नहीं मिलेगा। वो ही ज़्यादा है, वो वाला 60% इनफ है। आपको 48,000 कितना आपको लगता है उसमें फीस? कितना आपका फीस पता किया? नहीं पता किया अभी, जॉब से घर में आ गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।